हेलो स्टूडेंट्स आई एम अगेन बैक विद चैप्टर नंबर वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ जोग्राफिकल फीचर पार्ट टू स्टूडेंट्स इन पार्ट वन वी टिल कहाँ तक डिस्कस कर लिया था बच्चों हम लोगों ने हाउ टू फाइंड डायरेक्शन अब हमें देखना बेरिंग बेरिंग क्या होती है बच्चा बेरिंग होती है अगर नॉर्थ से आपको किसी डायरेक्शन को पता करना है एग्जैक्टली exactly और किस टर्म में पता करना है नॉर्थ के रेस्पेक्ट में पता करना है तो हम क्या बोलते हैं उसको बच्चा बैरिंग ठीक है बैरिंग एंगल में और डिग्रीज में कैलकुलेट होती है समटाइम वी वॉन्ट टू फाइंड एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस और एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और प्लेस की एग्जैक्ट डायरेक्शन देखनी है विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ तो जो एग्जैक्ट डायरेक्शन होगी वो डिग्रीज और बेयरिंग में क्या होगी एक्सप्रेस होगी सपोज यू वॉन्ट टू फाइंड द बेयरिंग पॉइंट

इज़ एन एंगल फॉर्म्ड बेरिंग क्या है फॉर्मेशन ऑफ एंगल बिटवीन नॉर्थ लाइन एंड लाइन ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स टू गिवन पॉइंट्स और नॉर्थ डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है इसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चा बेरिंग बेरिंग हमेशा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ही मेजर होती है बेरिंग हमेशा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, में मेजर होती है अब हम लोग पढ़ेंगे कन्वेंशनल साइंस मैप्स आर यूज टू रिकॉर्ड शो अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक पॉलिटिकल बाउंड्रीज रिलीफ फीचर क्लाइमेटिक कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोसेज अच्छा मैप से आप पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिखाते हो फिज़िकल फीचर्स दिखाते हो क्लाइमेटिक कंडीशन दिखा रहे हो इतनी सारी चीज़ों को दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कन्वेंशनल साइंस एंड सिम्बल्स और इसी को बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ द मैप कन्वेंशनल एंड सिंबल यूज्ड इन अ मैप टू शो वेरियस थिंग लाइक फिजिकल फीचर पॉलिटिकल बाउंड्रीज एक्सेट्रा आर नोन एज लैंग्वेज ऑफ द मैप डू रिमेंबर अब जैसे यहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्री ऐसे दिखाते हैं रेलवेज ऐसे स्टेट की बाउंड्री ऐसे डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री ऐसे फोर्ट्स ऐसे टेम्पल ऐसे चर्च ऐसे मॉस्क्यू ऐसे मेटल रोड होगी तो ऐसे अनमेटल रोड होगी तो ऐसे दिखाते हैं टाउनस एंड विलेज का साइन देखो ब्रिज का ये रहा साइन स्ट्रीम ये है डैम वॉल फॉरेस्ट पोस्ट ऑफिस को पीओ लिखते हैं टेलीग्राम ऑफिस को टीओ लिखते हैं पुलिस स्टेशन को पी लिखते हैं पॉपुलेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सोशल कल्चरल फीचर ये बहुत सारी चीज़ें हम दिखाते हो अगर ये सारी चीज़ें हम पूरा टेम्पल एक मैप के ऊपर बना देंगे तो क्या हम और चीज़ों को दिखा पाएंगे इसलिए हमने हर चीज़ का क्या बना लिया एक साइन बना लिया है कन्वेंशन सिम्बल बना लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम तरीके से यूज होते हैं ठीक है रिवर लेक्स ब्रिजेस डैम फोर्ट्स एंड सोन बट अ मैप विदाउट दिस फीचर इज लेस इसलिए अगर ये फीचर आप मैप पे नहीं दिखाओगे तो मैप लेस इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा दिखाने हैं तो ये बना भी नहीं सकते इसलिए आपने कन्वेंशनल साइंस और सिम्बल्स को चुना डिफरेंट कलर्स हैं साइंस हैं सिम्बल्स हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को दिखा रहे हैं मैप के ऊपर और कुछ लेटर्स को भी यूज कर रहे हैं जैसे पी ओ पोस्ट ऑफिस के लिए दिस साइंस एंड सिम्बल्स आर कॉल्ड कन्वेंशनल साइंस एंड सिम्बल्स ये एग्रीमेंट है बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में कि हम कॉमन साइन सिंबल्स को यूज़ करेंगे ब्लू हमेशा पानी के लिए यूज़ होता है ग्रीन प्लेन्स के लिए ठीक है तो इससे क्या होगा ओवरऑल वर्ल्ड में कहीं पर भी मैप पढ़ेंगे मैप की लैंग्वेज सेम ही होगी क्या इंपॉर्टेंस है मैप की बजाय मैप प्रोवाइड रिकॉर्ड्स ऑफ फैक्ट अबाउट अर्थ अर्थ के रिकॉर्ड्स फैक्ट्स हमें कौन बताता है मैप मैप हमें लैंडफॉर्म्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है वी कैन अंडरस्टैंड लैंडफॉर्म्स थ्रू मैप्स मैप बहुत यूज़फुल है इंपॉर्टेंट है एकेडमिक पर्पसेस के लिए गवर्नमेंट नी मैप्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस सरकार को मैप क्यों चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए चाहिए टोपो शीट्स रेंडर टाइमली हेल्प मिलिट्री ऑपरेशन और शीट्स का यूज़ होता है मिलिट्री ऑपरेशन के टाइम मैप्स आर नीडेड फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री मैप्स का यूज़ होता है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री मैप्स बहुत यूज़फुल हैं टूरिस्ट के लिए ट्रैवलर्स के लिए पिक्टोरियल मैप्स कैन हेल्पअस टू लर्न अंडरस्टैंड इवन कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स एंड प्रॉपर रिलेशनशिप कुछ मैप्स होते हैं जिनमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है आप उसको और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे मैप इज़ अ गाइड फॉर इंडिविजुअल इन जनरल एंड गवर्नमेंट इथ पर्टिकुलर इन जनरल इंडिविजुअल को गाइड करने के लिए गवर्नमेंट को गाइड करने के लिए क्या है मैप्स बनाए गए <coughs> अब हम लोग देखेंगे स्केच ठीक है वी वॉन्ट टू हेल्प सपोज वी वॉन्ट टू हेल्प अ न्यू स्टूडेंट इन अ क्लास लोकेट ईच रीच द ने बुक शॉप हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे रोड का कि यहाँ से टर्न लेना है ये लैंडमार्क आएगा फिर तुम उस बुक शॉप पे पहुँच जाओगे विद दिस राइ डायग्राम द न्यू स्टूडेंट कैन रीच द तो बुक शॉप इज इन ये रफ डायग्राम से वो जो स्टूडेंट होगा वो शॉप तक पहुँच जाएगा आपने उसको एक्सेस डिस्टेंस डायरेक्शन नहीं बताए पर फिर भी उसको कुछ ऐसा बता दिया कि वो शॉप तक पहुंच जाएगा ऐसी रफ डायग्राम को हम क्या बोलते हैं जो बिना स्केल की हेल्प से बनाए विदाउट स्केल बने विदाउट प्रॉपर साइन और सिग्नल्स बने और सिंबल्स बने उसे हम बोलते हैं स्केच नो स्केल नो साइन नो सिम्बल नो डायरेक्शन तो हम उसको क्या बोलेंगे रफ डायग्राम प्लान सम टाइम यू वॉन्ट टू ड्रॉ एक्यूरेट मैप ऑफ वेरी स्मॉल एरिया कई बार हमको वो छोटे एरिया का एक प्रॉपर मैप बनाना होता है जैसे हम जब हमारा घर बना रहे हैं बिल्डिंग बना रहे हैं तो हमें एक्यूरेट मैप चाहिए बहुत स्मॉल एरिया का तो उस मैप को क्या बोलते हैं ले आउट प्लान द ले आउट प्लान शो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ यूचरूम किस रूम की कितनी लेंथ होगी ब्रेथ होगी ये दिखाता है हाइट क्या होगी डोर कैसे होंगे विंडोज कैसे होंगे सच एन एक्यूरेट मैप ऑफ वेरी स्मॉल एरिया विच show everything in इन is called कॉल्ड प्लान प्लान always ऑलवेज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल स्केच में स्केल का जरूरत नहीं होती बेटा पर प्लान हमेशा स्केल के अकॉर्डिंग ही बनता है द स्केल ऑफ प्लान इज डिफरेंट फॉर फ्रॉम दैट ऑफ अ पर देखो मैप बहुत बड़े एरिया को शो करते हैं प्लान बहुत छोटे एरिया को शो कर रहा है तो स्केल बहुत डिफरेंट होगा जनरली मैप रिप्रजेंट लार्ज एरिया मैप बहुत लार्ज एरिया को शो करता है इसीलिए वो वन सेंटीमीटर हंड्रेड किलोमीटर्स को भी दिखा सकता है ग्राउंड पे जो हंड्रेड किलोमीटर है वो मैप में वन सेंटीमीटर हो सकता है पर वहीं जो प्लान होते हैं वो वन सेंटीमीटर वन मीटर का ग्राउंड का वन मीटर प्लान में ग्राउंड का जो वन मीटर होता है वो प्लान का वन सेंटीमीटर होता है पर वहीं पर अगर जो मैप बनाते हैं तो मैप के हंड्रेड किलोमीटर किसके बराबर होते हैं वन सेंटीमीटर के बराबर होते हैं ठीक है अगर एक्चुअल ग्राउंड पे सौ किलोमीटर का डिफरेंस है तो मैप पे आप वन सेंटीमीटर दिखाओगे पर प्लान में जनरली वन मीटर को वन सेंटीमीटर से दिखाते हैं ग्लोब ह्यूमन मेड मॉडल है अर्थ का मैप शोज इधर अ लार्ज एरिया विदाउट डिटेल और स्मॉल एरिया विद डिटेल इट इज़ ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल मैप बहुत बड़े एरिया का बना सकते हो बहुत छोटे एरिया का भी बना सकते हो स्केचर ऑफ ड्राइग्राम है और प्लान आपको स्मॉल एरिया को ग्रेट डिटेल में शो करता है डायग्राम्स डायग्राम्स आर यूज टू शो डिफरेंट फिजिकल फीचर डायग्राम का यूज़ होता है बहुत सारे डिफरेंट फिजिकल फीचर्स को यूज़ करने के लिए रीड अबाउट सम फिजिकल फीचर्स एंड सी हाउ दे रिप्रेजेंटेड थ्रू डायग्राम कुछ हम लोग फिजिकल फ़ीचर्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं रिवर वैन इट रें समेन वॉटर मूवस डाउन दिल्स फॉर्म अ स्मॉल स्ट्रीम मिनी स्मॉल स्ट्रीम जॉइन टू फॉर्म अ रिवर अच्छा जब बहुत तेज पानी गिरता है हील स्लोप से ए, क्या बन जाती हैं छोटी छोटी स्ट्रीम बन जाती हैं वो जब छोटी स्ट्रीम ज्वाइन कर लेती हैं तो एक बड़ी रिवर बन जाती है जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है उसको आप सोर्स बोलते हो ठीक है और जहाँ रिवर खत्म होती है उसको माउथ बोलते हो उल्टा है माउथ जहाँ से शुरू होता है वहाँ नहीं माउथ वो प्लेस है जहाँ रिवर सी में मिल रही है और सोर्स वो प्लेस है जहाँ से रिवर का ओरिजिनेशन शुरू हो रहा है ठीक है प्लेस वेयर अ रिवर अ लेक और सी वो प्लेस जहाँ पे रिवर लेक और सी को ज्वाइन करेगी उसको हम माउथ बोलेंगे जहाँ से ओरिजिनेट होगी वो होगी क्या क्या होगी वो उसका ट्रिब्यूटरी स्मॉलर रिवर दैट ज्वाइन अ लार्जर रिवर एंड कंट्रीब्यूटेड वाटर टू लार्जर रिवर एक रिवर को जो छोटी छोटी रिवर्स पानी देती हैं उसको हम क्या बोलते हैं ट्रिब्यूटरी द एरिया ड्रेन रिवर एंड ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड रिवर बेसिन ऑफ ये पूरे एरिया को क्या बोलेंगे बच्चा हम रिवर बेसिन क्योंकि बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज का ओरिजिनेशन यहाँ से हो रहा है मेन रिवर का एरिया तो यही है पर ये लगभग इतना पूरा एरिया क्या होगा रिवर बेसिन क्योंकि ट्रिब्यूटरीज का ओरिजिन अलग अलग जगह हो रहा है और वो अपने वाटर को किसको दे दे रही है मेन रिवर को हम अंडर क्या होता है माउंटेन <coughs> से जब रिवर नीचे की तरफ आती है तो बहुत स्लोप मिलता है पर जब वो जमीन पे आने लगती है तो उसमें क्या पढ़ने लगते हैं बेटा प्लेन एरिया में मियान्डर्स है ना ये जो घुमाव होता है स्नैक की तरह इसी को क्या बोलते हैं मियान्डर वेर आर रिवर लीव्स द माउंटेन एंड एंटर्स द प्लेन इट फ्लोज लॉन्गर द रिवर ट्विस्ट एंड टर्न्स टू फॉर्म बैंडस लूप्स ये बैंडस लूप्स बन जाते हैं दीज बैंड लूप्स आर कॉल्ड मियांडर्स वर्ड मियाडर इज ड्राइव फ्रॉम द नेम अ विंडिंग रिवर कॉल्ड मैं इन टर्की टर्की में एक रिवर थी जिसका नाम था मैंड्रोन विच हैज़ न्यूमरस बैंड्स इन इट्स कोर्स जिसके पूरे कोर्स में जहाँ से वो शुरू हुई जहाँ तक ख़त्म हुई बहुत सारे क्या थे बैंड्स थे तो वहीं से वर्ड आ गया मियांडर ये है मियांडर्स दिख रहे हैं आपको ये ओरिजिनल रिवर में मियांडर नाउ no डिस्ट्रीब्यूटरी बच्चा जब रिवर अपने माउथ पे पहुंचती है मतलब एक रिवर का सोर्स था वो ओरिजिनेट ना रास्ता क्रॉस करके जब वो अपने माउथ सी में मिलती है तो यहाँ पर बहुत सारा सल्ट पेबल्स ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं और रिवर बहुत सारी ब्रांचेस में टूट जाती है कई बार अंडरग्राउंड हो जाती है कई बार बहुत सारी ब्रांचेस में टूट जाती है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी ट्रीब्यूटरी वो होती हैं जो मेन रिवर को पानी दे डिस्ट्रीब्यूटरी वो टाइम होता है जब वो अपने माउथ पर होती है और पेबल सिल्ट की वजह से बहुत सारी छोटे 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 चैनल्स में बहने लगती है वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी अ रिवर रिचेस नियर इट्स माउथ जब रिवर अपने माउथ के पास पहुंच जाए इट कैरीज़ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड सेडिमेंट उसमें सेडिमेंट भी होते हैं वाटर भी होता है रिवर की स्पीड ऑलरेडी बहुत कम हो गई होती है तो जो अच्छे सिर्फ सेडिमेंट होते हैं वो सैंड बार एज अ सैंड बार डिपॉजिट हो जाते हैं इन द वाइडर रिवर चैनल जो सैंडबार होते हैं वो डिवाइड कर देते हैं मेन रिवर को इनटू डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स और इन्हीं को क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज ये जो पैबल्स होते हैं वो रास्ते में रुकावट की तरह काम करते हैं अलग अलग पार्ट में उस रिवर को डिवाइड कर देते हैं डेल्टा अ ट्राएंगुलर शेप लैंड फॉर्म बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटरी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट इसकॉल डेल्टा एक ट्राएंगुलर फॉर्म का लैंड एरिया तैयार हो जाता है ठीक है जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरीज अपने डिपोजिशन को रख देती हैं इसको हम क्या बोलते हैं बेटा डेल्टा डेल्टा का ये साइन होता है ठीक है द वर्ड वॉज फर्स्ट यूज बाई ग्रीक हिस्टोरियन और ये जो डेल्टा था इसको पहली बार यूज़ किया है हेरोडोटस जो एक ग्रीक हिस्टोरियन है फॉर आ ट्राइंगर डिपोजिशनल लैंड ऑन द माउथ ऑफ नायल रिवर नायल रिवर के माउथ पे जहाँ वो अपने ओशन और सी को मिल रही थी वहां पर उनको एक मिला तो वो ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने उसका नाम क्या रख दिया डेल्टा तब से हम लोग बोलते हैं डेल्टा हमारी जो रिवर गंगा है और रिवर ब्रह्मपुत्र है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है जिसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा इसमें है सुंदरी ट्रीज और इसी डेल्टा में हमें मिलेंगे मतलब इसी पर्टिकुलर सुंदरबन एरिया में ही आपको मिलेंगे हमारे रॉयल बंगाल टाइगर्स एंड दिस इंक्लाइन एंड सिंक्लाइन की अगर हम बात करें वन सेडीमेंट्री रॉक्स आर कम्प्रेस जब सेडीमेंट्री रॉक को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है तो उन्हें वेव लाइक बैंडस हो जाते हैं जिनको हम फोल्ड बोलते हैं इन अ फोल्ड द आर्क ऑफ अप फोल्ड इज कॉल्ड एंटी सिंक्लाइन एंड डाउन फोल्ड को बोलोगे सिंक्लाइन और अप फोल्ड को बोलोगे एंटी सिंक्लाइन दिखाएँ ये देखो जो डाउन फोल्ड हुआ उसको क्या बोला आपने सिंकलाइन जो फोल्ड हुआ उसको बोला एंटी सिंकलाइन और ये क्यों हो रहे हैं कंप्रेशन की वजह से जब यहाँ से भी प्रेशर लग रहा है यहाँ से भी प्रेशर लग रहा है जब आप एक पेपर लें और पेपर को दोनों साइड से प्रेस करें तो बीच में माउंटेन जैसा आ, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है तो जो उठा हुआ पार्ट है वो एंटी सिंक्लाइन हो गया जो पार्ट नीचे की तरफ आ जाएगा वो हो गया सिंक्लाइन ब्लॉक माउंटेन माउंटेन इज फॉर्म बाई दो फोर्सेज विच कैन कॉज फॉल्ट और क्रैक बच्चा कुछ ऐसे फोर्सेज होते हैं जो लैंड एरिया लैंड फॉर्म्स में क्या बना देते हैं फॉल्ट और क्रैक इन द अर्थ क्रस्ट दीज फॉल्ट कैन ब्रेक द अर्थ क्रस्ट इन टू ब्लॉक्स और ये जो फॉल्ट होते हैं ये अर्थ क्रस्ट को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं जब ये ब्लॉक्स रेज हो जाते हैं ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म तो ब्लॉक माउंटे फॉर्म हो जाता है ब्लॉक माउंटेन कैन ऑल्सो भी फॉर्म द ब्लॉक्स ऑन ईदर साइड फॉल्ट सब साइड देखो बेटा एक तो ये होगा कि ये लैंड एरिया था यहाँ से फॉल्ट आया एक टाइम के बाद ये जो बीच वाला एरिया था ये सबसाइड कर गया नीचे की तरफ चला गया ये एरिया इसी तरीके से रहे तो हमने बोल दिया कि ये तो बन गई ये वैली और यहाँ पर बन गए माउंटेन्स ये हो गए ब्लैक माउंटेन्स किस तरीके से बनेगा दूसरा ब्लैक माउंटेन किस तरीके से बनेगा एक एरिया था जहाँ पर ये बीच में फॉल्ट लाइन आई फॉल्ट लाइन आने के बाद ये एरिया भी सबसाइड कर गया ये एरिया भी सबसाइड कर गया और ये एरिया अपनी जगह एज इट इज रहा तो इसको भी क्या बोलेंगे बेटा ब्लॉक कई कई बार बार दोनों सबसाइड कर जाएगी मिडल वाला पार्ट जो है वो सबसाइड करेगा ठीक है ये रहा हमारा ब्लॉक माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन के साथ ही बनती है हमारी रेफ्ट वैली सो स्टूडेंट आई एम दिस वीडियो ओनली इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम टू राइट इन